स्टूडेंट्स गुड इवनिंग, सारे नमस्कार। जल्दी जल्दी नोटबुक लैके बैठ जाओ। आपां अकाउंट्स दे रूल जड़े लिखे सीगे एक बार फिर उन्होंने मैं दोबारा लिखदा। अकाउंट्स दे जड़े रूल सीगे जा पाई कह लिए रूल्स रिगार्डिंग अकाउंट, एवं लिख दिया जाके तो जल्दी समझ आ जाए। रूल्स रिगार्डिंग अकाउंट। अकाउंट साढ़े को तीन तरह के सीगे। नंबर वन इज सानू याद है परसनल अकाउंट। द रूल है द रिसीवर डेबिट, इनू डी आर नहीं बोलना, डॉक्टर नहीं बोलना। द गिवर क्रेडिट। सैकेंड रूल सीगा रियल अकाउंट का, वो की करिया सी असी वट कम्स इन डेबिट वट गोज आउट क्रेडिट। तीजे नंबर ते बेटा जी आपा कीता सी रूल नॉमिनल अकाउंट। याद करो थोड़ा जा, दो दिन हो गए भूल सकते ने। ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसिज डेबिट, ऑल गेन्स एंड इनकम्स क्रेडिट। असी इनू सी आर नहीं बोलना, इनू क्रेडिट बोलना है, उन्होंने डी आर नहीं बोलना, उसनू डेबिट बोलना है, ना ही इसनू डॉक्टर बोलना। डी आर मीन्स डेबिट, सी आर मीन्स क्रेडिट। इसको सी आर नहीं बोलना, डी आर नहीं बोलना, क्या बोलना है? डेबिट और क्रेडिट। और तुहानू इस तो पहला बड़ी चंगी तरह नाल पहचान हो चुकी है कि केड़ा परसनल अकाउंट है, विच इज़ रियल अकाउंट, विच इज़ नॉमिनल अकाउंट। एक बार फिर आओ अज आप इस नू रिवाइज करिए। तो इस तो बाद बेटा मैं ग्रुप दे विच जिहड़ा तुहाडा ग्रुप बने हुए ने उस दे विच आज एक वीडियो पाई जाएगी। उस वीडियो दे विच तुहानू ये दस्या जाएगा कि हाउ टू प्रपेयर फॉरमैट ऑफ द जर्नल, जर्नल का फॉरमैट किवें बनाया जाता है। तुसीं उस वीडियो नू सुनना है। वो वीडियो उस नू सुनन तो बाद फिर असी एक अद्धे दिन बाद फॉरमैट बनाना सीखांगे। और फॉरमैट बनाने तो पहला कुछ कु गल्लां ने ध्यान नाल सुन लो। एक तुसीं छोटा जा वड्डा और चौड़ा टाइप रजिस्टर लेना है, और एक तुसी स्केल लेना है, एक तुसी पेंसिल लेनी है, एक अरेजर एंड शार्पनर लेना है। और आज तो बाद असी पेंसिल दे नाल राइट करया करांगे, क्योंकि करन लग्या मिस्टेक्स होणगियां। मिस्टेक्स होण नाल तुसी वार वार पेज नू वेस्ट कर दियो। पेजिस दी वेस्टेज नू रोकण दे लई असी पेंसिल यूज़ करांगे। जल्दी जल्दी शेयर कर दियो लाइव जिन्हां नू शेयर करना आंदा है, और जल्दी जल्दी आपदे फ्रेंड्स नू और स्कूल दे ग्रुप्स दे विच जल्दी जल्दी पा दियो कि लाइव शुरू हो गया है। जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स जुड़ जाण। प्यारे विद्यार्थियों नोटबुक नाल लैके बैठो। जिन्हां ने अजे मेरा लैक्चर लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक कर दियो। जिहड़े अज नवें जुड़े ने वह चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो। जिन्हां स्टूडेंट्स ने एजुकेयर ऐप नू अजे डाउनलोड नहीं किया वह जल्दी जल्दी एजुकेयर ऐप नू डाउनलोड कर लो। दूसरी कमर्स विजन ऐप है, उसका मैं लिंक अज भेजता सी ग्रुप में। जिन्हां ने अजे तक कमर्स विजन ऐप नू डाउनलोड नहीं किया वह भी जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लो, ताकि तुहानू स्टडी मटीरियल ते नवी नवी वीडियोज़ मिल सकन। आओ जी आपां शुरू करदे आं। साडे कोल पहली स्टेटमेंट है राम स्टार्टिड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 50,000। प्यारे विद्यार्थियों इस स्टेटमेंट नू मैं बड़े आराम नाल समझा रहा, तुसी ध्यान पूर्वक समझना है। जिथे स्टार्टिड बिजनेस आ जाए इट मीनस उत्थे मालक दा नाम नहीं आता, उस दे नाम दी थां ते वर्ड की आता है कैपिटल। ते कैपिटल केड़ा अकाउंट है? परसनल अकाउंट। ते कैश केड़ा अकाउंट है? रियल।
ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਵਟ ਕਮਜ਼ ਇਨ ਡੈਬਿਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਸ਼। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਰੂਲ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਗਿਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਨੰਬਰ ਟੂ, ਬਾਟ ਗੁਡਸ ਫੋਰ ਰੁਪੀਸ 10,000। ਬਾਟ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਚੇਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਰਚੇਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਸਕੋ ਕਿਆ ਲਿਖੇਂਗੇ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਚੇਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਰੀਅਲ, ਔਰ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੀਅਲ। ਵਨ ਮੋਰ, ਰੀਅਲ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਕਮਜ਼ ਇਨ ਡੈਬਿਟ, ਜੋ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿਵਸਾਏ ਮੈਂ ਆਏ ਉਸੇ ਡੈਬਿਟ, ਜੋ ਜਾਏ ਉਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਤਾਂ ਪਰਚੇਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੋਰ ਰੁਪੀਸ 10,000। ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਟ ਗੁੱਡਸ ਆਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਚੇਜਿਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਚੇਜਿਸ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰੀਅਲ, ਕੈਸ਼ ਵੀ ਰੀਅਲ, ਰੀਅਲ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਕਮਜ਼ ਇਨ ਡੈਬਿਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਬਿਟ, ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਨੈਕਸਟ, ਕੈਸ਼ ਪੇਡ ਟੂ ਮਹਿਕ ਰੁਪੀਸ 5,000। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਕ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ, ਕੈਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਹਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮਹਿਕ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਕੈਸ਼ ਪੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਬਾਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਾਟ ਲੈਂਡ, ਬਾਟ ਫਰਨੀਚਰ, ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵਡ, ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੈਸ਼ ਆਏਗਾ। ਕੈਸ਼ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਕੈਸ਼ ਗਿਆ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮਹਿਕ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵਡ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਡ ਫਰਾਮ ਮਨੂ ਰੁਪੀਸ 4,000। ਹੁਣ ਮਨੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਰੀਅਲ, ਵਟ ਕਮਜ਼ ਇਨ ਡੈਬਿਟ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ। ਮਨੂ, ਮਨੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਿਵਰ ਕੀ ਆਏਗਾ,
क्रेडिट सानू मनु क्रेडिट कार्ड ना नाम ही आंदा ना ते कैश आया सी ये डेबिट हो गया मनु ने ऑटोमेटिकली क्रेडिट होना है क्योंकि एक चीज़ डेबिट होंगी है दूजी क्रेडिट होंगी है जे क्रेडिट कार्ड लोगे तो दूजी ऑटोमेटिकली डेबिट होएगी दो डेबिट नहीं हो सकते दो क्रेडिट भी नहीं हो सकते तीन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता तीन अकाउंट होंगे ही नहीं। नेक्स्ट नंबर रेंट पेड रुपीज 1000 हुण रेंट पेड करन नाल प्यारे विद्यार्थियों की होया रेंट बिजनेस विचों गया रियल अकाउंट इट मीनस वो की होया क्रेडिट रेंट की है नॉमिनल अकाउंट दे अकॉर्डिंग ये एक्सपेंस है एक्सपेंस नू की करीदा है डेबिट तुहानू डेबिट ना भी कटना आए तुसीं कैश है तो क्रेडिट कर ही लिया सी रेंट ने ऑटोमैटिकली डेबिट आना ही आना सी। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड रुपीज 4000 हुण इत्थे रेंट की है रियल इत्थे रेंट की है नॉमिनल हुण रेंट रिसीव हो गया इट मीनस कैश बिजनेस विच आ गया डेबिट रेंट रिसीव का मतलब साड़ी इनकम है ते इनकम नू रूल मुताबक की करीदा है क्रेडिट। हुण तुसी यही करो फटाफट नोटबुक निकालो ते नोटबुक ते ये चीज़ा राइट कर लो ताँ कि तुहानू अच्छे तरीके नाल समझ आ सकन जिहड़े स्टूडेंट अज नवें जुड़े ने उन्होंने पिछे वाले लैक्चर नहीं लगाए इस तो पहला 14 लैक्चर लग चुके ने उन्होंने 14 लैक्चर नू तुसी आराम नाल सुन लोगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू पीपल इट्स माई गरंटी। तो उन्होंने पिछे चंगी तरह नाल सुन लो ये जिहड़े अकाउंट्स के रूल ने इन्हां नू ध्यान नाल कर लो तुसी मैं हुणे दोनों ऐप कहे ने उन्होंने डाउनलोड कर लो अज मैं एक वीडियो पानी है कि जर्नल का फॉरमेट किवें बनता है उसनों अज तुसी ध्यान नाल रात नू जां कल तक सुन लेना है वीडियो पाई जाएगी जिहड़े अजे मेरे ग्रुप चैट नहीं होए मैनू परसनल मैसेज भेज दिओ तुहानू ग्रुप चैट कर लैंदे आ। नैक्सट जिन्हां ने लैक्चर अजे लाइक नहीं किया पहला हुणे फटाफट लाइक करो जिहड़े नवें जुड़े ने जिन्हां ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सबसक्राइब कर लो अगे चलते हैं जी। नैक्सट बाट फर्नीचर फॉर रुपीज 10000 फर्नीचर किन्ने का खरीदया 10000। नैक्सट बाट बिल्डिंग फॉर रुपीज 20000। नैक्सट गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 10000। नैक्सट प्लांट सोल्ड फॉर रुपीज 10000। नैक्सट वन सैलरी पेड टू एन इम्प्लॉय रुपीज 5000। आओ असी इस दे डेबिट क्रेडिट निकालिए। हुण फर्नीचर खरीदया तो फर्नीचर केड़ा अकाउंट है रियल कैश केड़ा अकाउंट है रियल फर्नीचर खरीदने नाल फर्नीचर बिजनेस से आया डेबिट कैश गया क्रेडिट। बॉट बिल्डिंग बिल्डिंग केड़ा अकाउंट है रियल कैश केड़ा है रियल बिल्डिंग खरीदी डेबिट कैश गया क्रेडिट। सोल्ड गुड्स जिथे गुड्स आ जान ते नाल सोल्ड आ जाए सारे तो पहला की निकालना है सेल्स अकाउंट इट्स रियल इट्स आलसो रियल। हुण गुड्स वेचण नाल बिजनेस च पैसा आया कैश डेबिट गुड्स गई क्रेडिट। प्लांट सोल्ड किया सोल्ड समझ के सेल नहीं लिख देना गुड्स समझ के सेल लिखना है प्लांट का प्लांट ही रहेगा रियल अकाउंट कैश भी रियल। हुण वेखो प्लांट वेचण नाल पैसे आए डेबिट प्लांट गोज आउट क्रेडिट सैलरी नॉमिनल। हुण इत्थे इंप्लाई ने नहीं आना इंप्लाई की थां ते राम शाम ही आ सकता सी याद रखना नॉमिनल अकाउंट दे नाल परसनल अकाउंट नू कदे भी कंसीडर नहीं किया जाता नैवर परसनल अकाउंट कदे भी नहीं लिया जाता
इस वास्ते परसनल अकाउंट नूं इग्नोर करांगे, कैश फेयर रियल। हुण सैलरी पे करन नाल कैश गया क्रैडिट, सैलरी एक्सपेंस है डेबिट। जल्दी जल्दी नोटबुक ते उतार लो। हुण बेटा जी जल्दी जल्दी तुसी बुक्स खरीद लो। जिन्हां बच्चों ने अजे बुक्स खरीदियां नहीं वो जल्दी जल्दी आदियां किताबां खरीद लैन ता कि आने वाले दिनों विच तुहानू कोई प्रॉब्लम ना आए। नैक्सट चलते हैं जी, कैश पेड टू हरमन रुपीज 10,000। नैक्सट कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग अनुराग रुपीज 10,000। नेक्स्ट रेंट पेड रुपीज 2,000। नेक्स्ट सैलरी पेड रुपीज 1,000। कैश पेड टू हरमन, कैश गया रियल क्रेडिट, हरमन पर्सनल रिसीवर डेबिट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग, अनुराग तो कैश मिलिया बिजनेस विच कैश आया रियल डेबिट, अनुराग गिवर पर्सनल क्रेडिट, रेंट पेड नॉमिनल खर्चा डेबिट, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, सैलरी नॉमिनल खर्चा डेबिट, कैश गया रियल गोज आउट क्रेडिट। बेटा जी एवें तुसी करने ने एक चीज़ डेबिट ते एक क्रेडिट। मैं उम्मीद करदा कि अज वाला लैक्चर तुहानू वधिया तरीके नाल पली पंती समझ आ गया होना है। तुसी बड़े सियाने हो, रोज़ पढ़ोगे, बुक्स लै लो, उन्दे विचों नॉमिनल परसनल अकाउंट नू चंगी तरह देखो, डेबिट क्रैडिट निकालना सीखो। लैक्चर नू जल्दी जल्दी लाइक कर दिओ, जिन्हां ने चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सबसक्राइब करो। कल फिर दोबारा नवा टॉपिक लैके आपां दोबारा मिलांगे। तुसी इस बनाते रहो, अपनी नोटबुक के उपर लिख लिया करो, जे समझ ना आए तो दोबारा लैक्चर सुन लिया करो, फिर समझ आ जाती है। आराम नाल इसनों दोबारा फिर सुन लेना जी। कल दोबारा मिलांगे। जय हिंद।